वैद्य, ये ठीक तो हो जाएगी ना? इनकी आंख की पुतलियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, ऐसे में इनकी आंखों की दृष्टि भी जा सकती है। मत कीजिए। माँ, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। माँ, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। हो तुम ही गजानन, तुम शुभकर्ता विघ्न विनाशन, गणेश लीला, गणेश लीला। मैं सत्य हूं, इंद्रियों पर विजय से विनय, विनय से सद्गुण, सद्गुण से लोकप्रियता, तथा लोकप्रियता से संपदा प्राप्त होती है। किंतु सत्य द्वारा ये सभी सहज ही सुलभ हो जाते हैं। इतने दिनों में ऐसा लगा जैसे न जाने कितने वर्ष बीत गए। हर वक्त ऐसा लगता था जैसे आप आ गए। किंतु लगने से क्या होता है, आपको तो एक पल भी मेरी याद नहीं आई। और मैं पागल जो हर क्षण आपको याद करती रही। माँ, पट्टी खोलती क्यों नहीं है? आप देख सकती हैं। नहीं बेटा, एक बार अगर किसी की आंखों की ज्योति चली जाए फिर दोबारा कभी नहीं आती। नहीं माँ, पट्टी खोलकर देखती क्यों नहीं? आप देख सकती हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं। राकेश्वरी, अब हमारी आंखों की ज्योति आए या ना आए, कलाधर का मन तो रखना होगा ना हमें। हमारी आंखों की पट्टी मैं खोल देता हूं राकेश्वरी। क्या है ये? ये करवा चौथ का प्रसाद है, इतने दिनों से आपके लिए संभाल के रखा था। तुम सचमुच महान हो राकेश्वरी। तुम्हारी आंखों की ज्योति लौटाकर विनायक ने तुम्हें ये पुरस्कार दिया है। पता नहीं हमारे कलाधर ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया कि मेरी दुनिया मुझे फिर वापस मिल गई। क्या ये सच है? क्या छोटी बहू देख सकती है? हाँ बाबूजी, मैंने स्वयं देखा है, वो देख सकती है। हाँ बाबूजी, देखिए मेरी दृष्टि वापस आ गई बाबूजी। चमत्कार इस कलाधर ने किया है बाबूजी। इसी ने मुझसे कहा था इसकी आंखों की पट्टी खोलने के लिए। इसलिए मैंने कहा था श्रीनाथ, इस घर को हर संकट से विनायक जी बचाते रहें।
आप सत्य कह रहे हैं पिताजी, विनायक को नाकार कर मैंने बहुत बड़ी भूल की है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ आशीनाथ। पिताजी मैं बस यही सुनना चाहता था, अपने विनायक के आदेश का पालन ना करके कितनी बड़ी भूल की मैंने, जिसका इतना बुरा परिणाम हमारे सामने आया। लेकिन अब मैं सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं पिताजी, कि अपने विनायक का मंदिर में किसी भी हाल में बनाऊंगा। मैं कहती हूं ना, ये बालक इस घर में ऐसा अपशकुन लेकर आया है ना, कलाधर नहीं हो गया, जिसे साक्षात ईश्वर उतर आए हैं। चेहरा तो देखो ईश्वर चंद का। अपराध अपने सिर पर ढोती रहूंगी, कब तक? विनायक मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी क्षमा नहीं करेंगे। हर्ष और उल्लास की इस शुभ घड़ी में आपके मुखमंडल पर यह चिंता की रेखाएं क्या सोच रही हैं देवी पार्वती? लगता है किसी गंभीर विषय में उलझ गई हैं आप। स्वामी, मुझे कलाधर की चिंता है, वो आप ही के समान भोलेनाथ बन गया है। स्वामी, हम समझे नहीं, कलाधर तो अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुए हैं, उसकी कृपा से रागेश्वरी को उसका पति ही नहीं उसके नेत्र को ज्योति भी मिली है। यही तो मेरी चिंता है स्वामी, विनायक केवल पुरस्कार देना जानते हैं, जैसे दंड देना उन्हें आता ही नहीं। किसको दंड नहीं दिया विनायक ने? मृदुला को स्वामी। देवी पार्वती, विनायक मंगल करता और विघ्न हरता है, वो संसार को सत्य का ज्ञान कराते हैं, वो मृदुला को भी बिना दंड दिए सत्मार्ग की प्रेरणा देंगे। जानता हूं भूलोक में तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया है पुत्र कलाधर, श्रीनाथ तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगा और तुम्हारे भक्ति की धारा बहाएगा, तुम अपने अभौकिक रूप में सृष्टि का कल्याण करोगे, संसार के प्राणी के विघ्नों का हरण करोगे और तुम्हारी ही कृपा से संसार में सुख और समृद्धि आएगी। हाँ पिताश्री, अब मेरे लिए क्या आदेश है? अब तुम्हें अपने धाम आना होगा पुत्र। किंतु पिताश्री, लगता है तुम मोहग्रस्त हो गए हो पुत्र, धरती लोक में वास करते हुए तुम भी माया के बंधन में बंध चुके हो। हाँ पिताश्री, उस परिवार ने मुझे बहुत स्नेह दिया है, जाने की बात सुनकर मैं भी बहुत व्यतीत हो गया हूँ। मनुष्य और देव में यही अंतर होता है पुत्र, तुम विनायक हो, विनायक तुम्हें अपने लौकिक माता पिता से विदा लेनी ही होगी। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। Thank you.
तुम विनायक हो। विनायक, तुम्हें अपने लौकिक माता पिता से विदा लेनी ही होगी। कलाधर, पुत्र कहाँ जा रहे हो? अपने धाम। अपने धाम? क्या मतलब? माँ आप सब समझ जाएंगी, किंतु अब मुझे जाने की आज्ञा दें। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? एक माँ अपने बच्चे को दूर जाने की आज्ञा कैसे दे सकती है? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं पिताजी, मुझे जाना ही होगा। कलाधर, बेटा, बेटा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। कलाधर, क्या हुआ? क्या हुआ श्रीनाथ? क्या हुआ रागेश्वरी? बाबूजी, कलाधर कह रहा है कि वो जा रहा है। दादाजी, मैं भूलोक में इतने दिनों के लिए ही आया था। अब मुझे जाना होगा। तुम अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी बेटा। मेरा धाम कैलाश है। मैं महादेव पुत्र विनायक गणेश हूँ। विनायक गणेश। ना हो माता, दुख तो मुझे भी है, किंतु मिलन और विछो तो इस संसार की नीति है। मैं आपको वचन देता हूं, जब भी आप मेरा स्मरण करेंगी तो मैं पुत्र के रूप में उपस्थित हो जाऊंगा। कैसी आई घड़ी, करके सबको दुखी। श्री विनायक चले शिव की नगरिया। कैसी आई घड़ी, करके सबको दुखी। श्री विनायक चले
शिव की नगरिया। त्राही त्राही मची हुई है प्रभु, संपूर्ण त्रैलोक के संकट में है। कमल नयन निद्रा मुक्त होइए, निद्रा मुक्त होइए लक्ष्मीपति।